आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो इस प्रॉब्लम में अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन टिल्टेड फ्लोर एंड लिफ्ट मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन 3 m/s² और हमसे बोला गया है इफ द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो हमारा जो यहाँ पर अगर हम हमारे ब्लॉक का कुछ इस तरीके से हम हमारा फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखते हैं हमारे ब्लॉक का तो उस पर यहाँ पर एक mg का कंपोनेंट हमारा लग रहा होगा जो हमारा विद रिलेटिव टू अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ पर देखें ऑफ लिफ्ट तो वो हमारा यहाँ पर बनेगा m·g·a cos θ। सिमिलरली एक कंपोनेंट हमारा यहाँ लग रहा होगा m·g·a sin θ और हमारा यहाँ पर एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा n। तो और अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ विद a रिलेटिव से यहाँ पर इस तरीके से जाएगा और जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर रिलेटिव होगा वो हमारा यहाँ पर होगा g·a। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे नॉर्मल की जो वैल्यू यहाँ पर होगी अगर हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल जो होगा वो हमारा होगा m·g·a cos 37° और m·g·a अगर हम देखते हैं हमारा तो वो हमारा यहाँ पर होगा मास हमें यहाँ पर 1 kg दिया गया है g हमारा 10 − 3 m/s² यानी 7 × 4/5 यानी यहाँ से हमें हमारे नॉर्मल की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें 28/5 यानी कि 5.6 N हमें हमारे नॉर्मल की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा ए रिलेटिव हमारा यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ए रिलेटिव की बात करें यानी m·a रिलेटिव जो हमारा होगा वो हमारा m·g·a sin 37° के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं हमारा ए रिलेटिव की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी 7 × 3/5 यानी 4.2 m/s² हमारा यहाँ से हमारा ए रिलेटिव हमें मिल जाएगा। तो अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। तो एस रिलेटिव हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 2.1 m है। यू रिलेटिव हमारा यहाँ पर 0 होगा क्योंकि वो हमारा रेस्ट से रिलीज किया गया है 1/2 × 4.2 t². तो यहाँ से हमारे जो t की वैल्यू हमें मिल रही है वो हमें यहाँ से 1 s मिल रही है और इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 million से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।